फिल्म के स्टार्टिंग में एक पादरी को दिखाया जाता है जो चर्च में उपदेश दे रहा होता है। फिर वहीं दो कपल मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस और उनके पड़ोसी जॉन और उनकी वाइफ मिया होती है। फिर वो दोनों कपल चर्च में उपदेश सुनने के बाद अपने घर वापस आ जाते हैं। जॉन की वाइफ मिया है जो कि प्रेग्नेंट थी। घर में आकर मियाँ जॉन से कहती है कि हमारे होने वाले बच्चे की बात हमें अपने पड़ोसी को नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि 2 साल से उनकी बेटी गायब हो चुकी थी। फिर जॉन मियाँ से कहता है कि वो कोई लापता नहीं, वो सिर्फ हिपस के साथ भाग चुकी है। रात को मियाँ को जॉन एक सरप्राइज गिफ्ट देता है। ये गिफ्ट एक एनेबल डॉल होती है। जब रात को जॉन और मियाँ सो रहे होते हैं तो बगल वाले घर से एक चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो घर मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस का था। फिर उस आवाज़ को सुनकर मियाँ की आँख खुल जाती है। फिर इसके बाद जॉन मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस के घर जाता है। जब जॉन उनके घर से बाहर आता है तो उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ होता है और वो डरा हुआ और सहमा हुआ होता है। फिर इसके बाद जॉन मियाँ को कहता है कि फ़ौरन एम्बुलेंस को फ़ोन करो, ये खून मेरा नहीं है। जब मियाँ एम्बुलेंस को फ़ोन कर रही होती है तभी उसे एनेबल डॉल के रूम से एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की ने एनेबल डॉल को अपने गोद में लिया होता है। फिर वो मियाँ के पास आती है, इससे मियाँ बहुत डर जाती है। फिर इसके बाद मियाँ के पीछे से एक आदमी गुजरता नजर आता है जो मियाँ पर चाकू से वार करता है। फिर उसका पति आ जाता है और वो उसे मारता है। फिर उस वजह से उसके हाथ से चाकू छूट जाता है और फिर वो लड़की उस चाकू को उठा देती है। जैसे ही वो मियाँ पर हमला करने वाली थी, जॉन आकर उसे घसीट देता है। फिर जॉन उस लड़की से चाकू छीनने की कोशिश करता है। फिर वहाँ पर एक वही आदमी पहुँच जाता है। फिर वो जॉन पर हमला करता है और उसे जख्मी कर देता है। फिर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और खुद को एक रूम में बंद कर देती है। इसके बाद तुरंत पुलिस वहाँ आ जाती है और उस आदमी को शूट कर देती है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर उस लड़की को पकड़ने उस रूम में जाते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वो लड़की गला काटकर सुसाइड कर चुकी है। जिस वक्त वो लड़की अपने को मार रही होती है उस वक्त वो एनेबल डॉल उसकी गोद पर होती है। इसके बाद पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं थी बल्कि मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस की गोद ली हुई बेटी थी और इसने एनेबल को बनाया था। इसके बाद मियाँ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। मियाँ और उसका बच्चा बिल्कुल सही सलामत थे। फिर इसके बाद मियाँ ठीक हो जाती है और अपने घर आ जाती है। इसके बाद एक रात को जब मियाँ और जॉन सो रहे होते हैं तब उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। फिर जॉन वहाँ जाकर देखता है। फिर वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि जो इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन थी वो अपने आप चल रही थी। फिर जॉन मशीन को बंद कर देता है। फिर दूसरे रूम में जाकर चेक करता है। फिर वो एनेबल डॉल के रूम में जाता है। फिर वो देखता है एनेबल डॉल ज़मीन पर गिरी हुई थी। फिर वो एनेबल डॉल को उठाकर चेयर पर रख देता है। फिर इसके बाद मियाँ जॉन से कहती है कि हमें इस एनेबल डॉल को हटा देना चाहिए अपने घर से। फिर जॉन मियाँ की बात मानकर उस डॉल को कूड़े में फेंक देता है। फिर इसके बाद एक दिन डिटेक्टिव मियाँ और जॉन के घर पर आता है। फिर इसके बाद उन्हें वो बताता है कि मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस का मर्डर उनकी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड ने किया था। फिर वो उन्हें ये भी बताता है कि वो लोग शैतान को मानने वाले थे और ये कत्ल उन्होंने अपने ब्लैक मैजिक को पूरा करने के लिए किया था। इसके बाद जॉन अपने काम के सिलसिले में टाउन से बाहर चले जाता है। इसके बाद जब मियाँ सिलाई मशीन में काम कर रही होती है तो उसका हाथ जख्मी हो जाता है और उसके हाथ से खून निकलता है। इसके बाद गैस अपने आप जल जाती है और पूरे किचन में आग लग जाती है। इसके बाद जब मियाँ अपने घर से बाहर भागने की कोशिश करती है तो ये आत्मा उसका पैर पकड़कर उसको पीछे की ओर खींचती है। फिर वहाँ के पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस मियाँ को बचा लेते हैं। फिर वो मियाँ को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और जहाँ उसका बच्चा पैदा हो जाता है। फिर जॉन भी हॉस्पिटल आ जाता है। जब वो इस घटना के बारे में सुनता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन वो अपने पत्नी और अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश था। फिर मियाँ जॉन को कहती है कि अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि उस घर में कोई आत्मा आ गई है। फिर जॉन मियाँ की बात को मान लेता है। फिर इसके बाद वो दूसरे घर में चले जाते हैं। फिर वो अपनी बेटी का नाम लिच रखते हैं। जब वो अपने नए घर में आकर उस सामान को खोल रहे होते हैं तभी उन्हें अनेबल डॉल भी नजर आ जाती है। फिर उस डॉल को देखकर जॉन बहुत हैरान हो जाता है। फिर वो मियाँ से पूछता है, ये डॉल यहाँ पर कैसे आई, मैंने तो खुद इसे डस्टबिन में फेंका था। फिर वो फिर से उसे डस्टबिन में फेंकने को कहता है। फिर मियाँ उस डॉल को फेंकने से मना कर देती है। इसके बाद जब मियाँ रात को टीवी देख रही होती है तभी टीवी अचानक रुक जाता है। इसके बाद अनेबल की आत्मा वहाँ नजर आती है। इसके बाद वो आत्मा मियाँ के बच्चे के पास जाती है तो वो बच्चा रोने लग जाता है। फिर बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर मियाँ की आँख खुल जाती है। फिर मियाँ अपने बच्चे को साथ में ले जाती है। जब वो अपने फ्लैट से नीचे आ रही होती है तो उसे दो बच्चे दिखाई देते हैं जो भाई बहन थे।
और वो एक पेंटिंग को बना रहे थे। फिर वो अपनी बहन को मना करता है कि वो मियाँ से बात ना करें। फिर इसके बाद मियाँ बुक खरीदने के लिए बाहर जाती है। फिर इसके बाद उस दुकान की औरत मियाँ को एक बुक गिफ्ट करती है। फिर इसके बाद मियाँ अपने फ्लैट में आ जाती है। फिर इसके बाद उसे सीढ़ियों पर एक पेज मिलता है जिसमें उस बच्चे ने उस पर पेंटिंग की थी। पहले पेंटिंग में एक माँ और उसका छोटा बेबी होता है, वहीं दूसरी पेंटिंग में उस माँ और उस बच्चे की मौत हो जाती है एक कार एक्सीडेंट में। ये देखकर मियाँ बहुत घबरा जाती है। फिर वो ये बात को जॉन को बताती है। अगले दिन जब मियाँ जॉन का खाने पर इंतजार कर रही होती है, इसके बाद जब मियाँ गाने को बंद करती है तो गाना फिर से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद सिलाई मशीन खुद चलने लग जाती है। इसके बाद मियाँ को एक बच्ची नजर आती है। जब मियाँ उस बच्चे से पूछती है कि तुम कौन हो बेटा, फिर इसके बाद वो मियाँ की ओर तेजी से भागती है और देखते ही देखते वो एनेबल में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखकर मियाँ बहुत घबरा जाती है। फिर इसके बाद उसे ऊपर वाले फ्लोर में तेजी से चढ़ने की आवाज़ आती है, जिसको सुनकर मियाँ बहुत घबरा जाती है और डर जाती है। इसके बाद जब मियाँ जॉन को ये सब बताती है, जॉन कहता है कि मैं एक पादरी से बात करूँगा। फिर इसके बाद पादरी उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। इसके बाद जब मियाँ बेसमेंट में जा रही होती है तो उसे एक भूत नजर आता है। उस भूत के बहुत बड़े नाखून होते हैं। फिर वो अपने नाखून की वजह से मियाँ को जख्मी कर देता है। फिर वो वहाँ से तेजी से भागने की कोशिश करती है। फिर वो उसे वहाँ से भागने नहीं देता। फिर मियाँ लिफ्ट में भागने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट फिर उसी फ्लोर में आ जाती है। ये देखकर मियाँ बहुत चौंक जाती है। फिर मियाँ जैसे ही सीढ़ियों से भागने की कोशिश करती है, फिर भी वो भूत उसका पीछा करता रहता है। फिर इसके बाद वो अपने फ्लैट में आ जाती है। फिर अगले दिन जब मियाँ उन जख्मों को चेक करती है तो वो देखती है कि वो जख्म अब नहीं है। फिर मियाँ डिटेक्टिव को अपने घर बुलाती है। फिर वो एनेबल के बारे में सारी जानकारी उस डिटेक्टिव से पूछती है। वो देखती है कि एक फाइल में एनेबल की डेड बॉडी के फोटो के बगल में एक निशान है, और ये वही निशान था जो शैतान ने मियाँ के हाथों में बनाया था। इसके बाद मियाँ को एनेबल की बचपन की फ़ोटो नज़र आती है, और ये फ़ोटो उसी बच्ची की थी जो उसे अपने घर में नज़र आई थी। फिर वो डिटेक्टिव मियाँ को बताता है कि वो बच्ची और उस शैतान का मकसद सिर्फ लोगों को मारना है। इसके बाद मियाँ किताबों की दुकान में जाती है। फिर इसके बाद वहाँ जाकर वो एक भूत से बचने की एक बुक खरीदती है। फिर मियाँ उस बुक में उस शैतान से पीछा छुड़ाने का उपाय ढूंढ रही होती है। फिर इसके बाद वो शैतान मियाँ की बेटी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। फिर मियाँ फिर से डर जाती है, और जॉन भी वहाँ आ जाता है। फिर जॉन पादरी को लेकर आता है और पादरी से कहता है कि उन्होंने इस डॉल को डस्टबिन में फेंका था, और पता नहीं वो किस तरह से हमारे साथ फिर से आ गई। फिर इसके बाद वो पादरी कहता है कि वो शैतान इस तरह की चीज़ों के जरिए हमला करने की कोशिश करते हैं, और इस केस में वो सोर्स एनेबल डॉल है। फिर इसके बाद वो पादरी कहता है कि मैं इस डॉल को अपने साथ ले जाता हूँ ताकि इसकी पावर कुछ कम हो जाए। फिर जब वो पादरी उस डॉल को अपने साथ ले जा रहा होता है, तभी उसे शैतानी ताकतों का सामना करना पड़ता है। जैसे ही वो पादरी चर्च में जाने की कोशिश करता है, तभी एनेबल का भूत वहाँ आ जाता है, यानी कि वही शैतान। फिर वो पादरी को घायल कर देता है और एनेबल को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद जब वो पादरी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वो जॉन को बताता है कि उसने भी एनेबल के भूत को देखा है, और वो डॉल को ले गया और उनका मकसद लिया की जान लेना है। फिर जॉन ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। फिर जॉन मियाँ को फ़ोन करने की कोशिश करता है, तभी कोई मियाँ का दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही मियाँ दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ पादरी मौजूद है। असल में वो पादरी नहीं था, वो एक शैतान था। इसके बाद मियाँ को अपने बेटी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, और वो उसे हर जगह ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। फिर इसके बाद ऊपर वाले फ्लोर से किसी के तेजी से चढ़ने की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद फिर वहाँ शैतान आ जाता है। इसके बाद वो उन दोनों को उठाकर बाहर फेंक देता है, और दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। फिर मियाँ अपनी बेटी को फिर से ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। फिर मियाँ को वो अनेबल डॉल अपने घर में नजर आती है। फिर वो अनेबल डॉल से पूछती है कि उसे क्या चाहिए। फिर उसे लिया के रूम में जाने का एक सिग्नल मिलता है। जब मियाँ उस कमरे में जाती है तो उस कमरे की छत पर लिखा होता है कि उन्हें लिया की रूह चाहिए, और उसके झूले में लिया की जगह एक शैतानी डॉल मौजूद होती है। फिर मियाँ उस शैतान से कहती है कि वो उसकी बेटी को वापस दे दे। फिर वो शैतान जवाब देता है कि अगर वो लिया की आत्मा नहीं देगा तो उसे अपनी आत्मा देनी पड़ेगी। अचानक से वो दरवाज़ा अपने आप खुलता है। फिर मियाँ अपनी बेटी की आत्मा की जगह अपनी आत्मा देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो उस डॉल को अपनी गोद में लेती है। जैसे ही वो खिड़की से कूदने वाली होती है, तभी वहाँ जॉन पहुँच जाता है। फिर जॉन मियाँ को समझाने की कोशिश करता है वह वो ऐसा ना करे, उसे ये करने के लिए मना करता है, लेकिन मियाँ अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। जैसे ही वो कूदने के लिए तैयार होती है, जॉन उसे पीछे खींच लेता है।
फिर वो जॉन से कहती है कि शैतान उसकी बच्ची को तभी वापस लौटाएगा जब वो अपनी जान देगी। इसके बाद एवलिन उस डॉल को उठाकर खिड़की से कूद कर अपनी जान दे देती है। इसके बाद जॉन और मियाँ को उनकी बेटी वापस मिल जाती है। इसके बाद 6 महीने बाद मियाँ और जॉन पादरी को बताते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, अब वो शैतानी डॉल उन्हें नज़र नहीं आती। इसके बाद वो एनेबल डॉल एक शॉप में नज़र आती है जहाँ एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी को उसे गिफ्ट करती है, और यहाँ पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।